टेक्नोस पार्क पावर 2 वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 7 स्पीड टेस्ट। आज की वीडियो में यहाँ पर मैं इस दोनों स्मार्टफोन का एक स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ और आपको बताऊँगा कि दोनों में से कौन से स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट है फीचर्स वाइज में, स्पीड वाइज में और लुक वाइज में। वेल बेसिकली यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑफ ऑल कहो तो दोनों ही स्मार्टफोन ऑलमोस्ट एक तरीके से एक दूसरे को कम्पीट करते हैं लुक के मामले में, फीचर्स के मामले में, स्पेसिफिकेशंस के मामले में। साथ ही में मैं अगर कहूँ तो दोनों में ही आपको फीचर ऑलमोस्ट आपको सेम ही देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ये दोनों ही कंपनी एक तरीके से कम्प्लीटली न्यू कंपनी है जो मोबाइल के मार्केट में धीरे धीरे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है अपने यूनिक स्मार्टफोन बजट सेगमेंट स्मार्टफोन्स के साथ में। तो यहाँ पर जो टेक्नोस पार्क पावर 2 है इसका जो प्राइस है ये आपको मिलेगा 10,000 रुपीज़ में और इन्फिनिक्स नोट 7 का जो आपको प्राइस है वो मिलेगा 11,500 रुपीज़ के रेंज में। और दोनों ही प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल मिल जाएगा जिसको आप इजीली परचेस कर सकते हैं और विद इन 24 आवर के अंदर अंदर ये आपके रेसिडेंस एड्रेस पर डिलीवर्ड हो जाएगा डिपेंड अपॉन योर लोकेशन। दोनों में आपको थोड़ा अलग अलग मोस्ट प्रॉब्ली आपको थोड़ा अलग ही फीचर देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी आपने मैं बात करता हूँ टेक्नोस पार्क पावर 2 के, तो फर्स्ट इसके डायरेक्टली हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको सारी इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। जैसे कि इसमें आपको 4GB का रैम मिलता है, 64GB का स्टोरेज मिलता है जिसे आप एक्सपांड कर सकते हैं अप टू 256GB। 16 मेगापिक्सल का आपको इसमें फ्रंट और बैक दोनों में ही आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। प्रोसेसर इसमें आपको मिलता है जो कि है मीडियाटेक का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और ये काफ़ी ज़रा फास्ट प्रोसेसर नहीं है तो आपको गेमिंग खेलने के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप ग्राफिकल्स गेम खेलते हैं जैसे कि पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम खेलेंगे तो आपको मे बी चांसेस है कि इसमें आपको थोड़े थोड़े लैग्स देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा इसमें आपको बैटरी मिलता है 6000 mAh की बैटरी और इसमें आपको डिस्प्ले मिलता है जो कि है फुल HD नहीं है, सिर्फ एक HD+ डिस्प्ले है और ये एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 10 पर कम्प्लीटली बेस्ड है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आपको सबसे जो बिग थम्स अप है वो है इसमें आपको बैटरी बैकअप जो कि आपको 6000 mAh का बैटरी मिलता है और ह्यूज डिस्प्ले मिलता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो टैबलेट के बराबर। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 7 की। तो इन्फिनिक्स नोट 7 ये इन्फिनिक्स की तरफ से फर्स्ट एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिस्प्ले मिलता है और इसमें आपको ऑलमोस्ट सेम ही फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे 4GB का रैम, 64GB का स्टोरेज, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, 16 मेगापिक्सल का जो आपको बैक कैमरा यानी कि आपको फ्रंट कैमरा मिलता है और इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है जो है मीडियाटेक का G70। यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये जो प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा फास्ट है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो ये बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये प्रोसेसर के हिसाब से ये जो मोबाइल है स्पेशली गेमर्स लोगों के लिए बनाया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कहो तो 5000 mAh का इसमें आपको बैटरी मिलता है और ये एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 10 पर कम्प्लीटली बेस्ड है। इसमें आपको मिडल साइड में कोई भी ऐसा नॉच देखने को नहीं मिलता है तो अगर आप मूवी या वीडियो वॉच करते तो आपको बीच में कोई भी ऐसा डिस्टर्बिंग जैसा नहीं होगा, लेकिन टेक्नोस पार्क में आपको मिडल में नॉच देखने को मिलता है जिससे कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होगा, बट इट्स ओके। तो यहाँ पर अभी दोनों का कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में ही आपको 4-4 कैमराज मिलते हैं लेकिन कैमरा की क्वालिटी आपको इन्फिनिक्स नोट 7 में ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन का स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं बाय स्विच ऑन दी मोबाइल। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा स्मार्टफोन पहले स्विच ऑन होता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 7 पहले स्विच ऑन हुआ और टेक्नोस पार्क पावर 2 बाद में। ओके सो लेट्स चेक आउट द अदर स्टफ। अब यहाँ पर मैंने दोनों ही स्मार्टफोन्स में कुछ एप्लीकेशन सेम लॉन्च करके रखे हैं। अब यहाँ पर हम सारे एप्लीकेशन को दोनों में आपको सेम एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे, देखते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन कौन से मोबाइल में फर्स्ट लॉन्च होता है। सो यहाँ पर मैंने टोटल
10 एप्लीकेशन किए, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पबजी गेम एप्लीकेशन। सो नाउ एज यू कैन सी, यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 7 में पबजी गेम पहले प्ले हुआ है और टेक्नो स्पार्क पावर 2 में बाद में। ऑब्वियस ये बात है कि इन्फिनिक्स नोट 7 जो है एक तरीके से गेमिंग स्मार्टफोन है, तो गेम के मामले में तो ये एक तरीके से फास्ट होगा ही होगा। तो गेमिंग के मामले में इसमें कोई कंप्लेंट नहीं है, तो ऑब्वियस ये बात है जो एप्लीकेशन है फास्ट से लॉन्च होगा। अब उसके बाद यहाँ पर चेकआउट करते हैं ES फाइल एक्सप्लोरर से। सो ऑलमोस्ट दोनों स्मार्टफोन्स में एक तरीके से सेम ही एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, ES फाइल एक्सप्लोरर। सो लेट्स चेक आउट द अदर एप्लीकेशन बाय यूट्यूब। सो यहाँ पर टेक्नो स्पार्क में पहले यूट्यूब लॉन्च हुआ और इन्फिनिक्स नोट 7 में बाद में। सो लेट्स चेक आउट द अदर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 7 में फर्स्ट हुआ है और टेक्नो स्पार्क पावर 2 में बाद में। तो दोनों स्मार्टफोन्स में ऑलमोस्ट एक तरीके से कहो तो सेम था, लेकिन यहाँ पे जो टेक्नो स्पार्क है उसमें आपको फर्स्ट एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। सो नाउ अगेन इन्फिनिक्स नोट 7 फर्स्ट एंड टेक्नो स्पार्क पावर 2 सेकेंड। सो गाइस यहाँ पर हमने एक तरीके से स्पीड टेस्ट किया, तो अगर मैं कहूँ तो लुक वाइज में और परफॉर्मेंस वाइज में आपको इन्फिनिक्स नोट 7 बेटर होगा, बिकॉज यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो एक तरीके से फास्ट प्रोसेसर मिलता है कंपेयर टू टेक्नो स्पार्क पावर 2। तो अगर आपका 10,000 रुपीज़ का बजट है और तो आप टेक्नो स्पार्क के लिए जाने से बदले बेटर होगा कि आप इन्फिनिक्स नोट 7 के लिए जाइए, बिकॉज इसमें आपको स्पीड तो मिलेगा ही, परफॉर्मेंस में बेटर मिलेगा और साथ में आपको लुक भी अच्छा देखने को मिलेगा और गेमिंग में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था गाइस इन्फिनिक्स नोट 7 वर्सेस टेक्नो स्पार्क पावर 2 का एक स्पीड टेस्ट। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।